अनंत ब्रह्मांड को मानवता द्वारा भेजा गया संदेश वाहक वॉयजर आज अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अपने घर धरती से करीब 23.5 बिलियन किलोमीटर दूर जा पहुँचा ये अंतरिक्ष यान अब खत्म होती बैटरी के चलते डेड होने जा रहा है। इसके भीतर लगी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज भी अब जवाब दे चुकी हैं, जिस कारण से इसका धरती से संपर्क कायम रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। नासा वैज्ञानिकों के एस्टिमेशंस के हिसाब से ये मैक्स टू मैक्स 2035 तक लास्ट करेगा, मगर ये टाइम स्पैम तब और भी छोटा हो जाएगा जब इसके साइंटिफिक डेटा कलेक्शन ऑपरेशंस जारी रहेंगे। यही कारण है कि रिसेंटली नासा ने इसके डेटा ब्रिंग बैक को भी शट डाउन कर दिया है और अब ये ऑलमोस्ट स्टैंड बाई मोड पर चले गए हैं। इनसे नासा का एक्टिव कनेक्शन भी गिव अप कर दिया गया है। फिलहाल इन्हें डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू पैसिव कनेक्शन स्टेट में रखा गया है, जिससे रूटीन में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अभी हाल ही में वॉयजर प्रोब से कनेक्शन री एस्टेब्लिश किए गए थे, तो उनसे मिले मिस्टीरियस सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया था। हालांकि वो एक अलग विषय है, जिस पर और भी गहराई से जानकारी पाने के लिए आप आई बटन में आ रही इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, पिछले 45 सालों में अरबों मील का सफर तय कर चुके ये स्पेसक्राफ्ट अब थक चुके हैं। हर दिन के साथ ढलती ऊर्जा के चलते ये दम तोड़ने की कगार पर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन वॉयजर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये तो हम सभी बहुत पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तो ये पल आना ही था, मगर वो कहते हैं ना कि अंत का ख्याल ही खौफ ला देता है। ठीक ऐसे ही एक अंत की ओर हमारे ये योद्धा बढ़ रहे हैं, मगर ऐसा अंत जो बेहद तन्हा और अंधेरे में डूबा हुआ होगा। मगर इस अंत के बाद भी ये सफर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता ही जाएगा, और ये कारवां तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि इनके रास्ते में कोई विध्वंसक एस्टेरॉयड ना आ जाए। खैर, अंत ब्रह्मांड को मानवता का ये संदेश वाहक कितना दूर जा पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और शायद वक्त बीत जाने के बाद भी हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे ये स्पेस प्रोब्स फिलहाल किस हालत में है, यानी कि कुल मिलाकर ये एक गुमनामी की मौत मरेंगे। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें मरकर भी अमर हो जाती हैं। ठीक इस केस में भी वॉयजर्स की अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स भी इसे मरने नहीं देंगी। इसके द्वारा विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी में दिया गया योगदान इसे हमेशा के लिए अमर कर देगा, और फिर वैसे भी इसमें मौजूद ये गोल्डन रिकॉर्ड इसे खत्म होने के बाद भी सदा के लिए जिंदा रखेगा। उन्हें कुछ इस ढंग से बनाया गया है कि बड़े बड़े विध्वंस के बाद भी वो शत विशत होकर भी इंसानों के संदेश को अपने में संजोए रखेंगे, ताकि अगर कई हजार या लाख साल बाद भी भूले बिछड़े ही सही अगर किसी एलियन सभ्यता के हाथ ये स्पेसक्राफ्ट लगे, तो उन्हें मानव जाति और पृथ्वी का ये संदेश जरूर मिले। हम न सही, कम से कम वो हमारे बारे में तो जरूर जाने, और साथ ही इस सवाल का जवाब भी पाएं कि इस असीम ब्रह्मांड में वो अकेले नहीं हैं जो जिंदा हैं, जो सोच सकते हैं और विज्ञान की बदौलत इस अनंत ब्रह्मांड में गोता लगा सकते हैं। वॉयजर मिशन अपने आप में खास है, बल्कि बेहद खास, क्योंकि ये किसी आम साइंटिफिक मिशन से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर इंसानों के इमोशन से जुड़ा है। इन मिशन्स ने न केवल हमें हमारे सौरमंडल से मिलवाया, बल्कि उसमें छुपे कुछ गूढ़ रहस्यों से भी परिचित करवाया। ये स्पेसक्राफ्ट इसलिए भी नन ऑफ द काइंड हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार इतने लंबे सफर को तय किया और आज भी करते जा रहे हैं। फिलहाल वॉयजर 1 धरती से सबसे दूर मौजूद मैन मेड ऑब्जेक्ट है, फॉलोड बाई वॉयजर 2 जो की धरती से दूर मौजूद सेकेंड फादेस्ट ऑब्जेक्ट है। बीतते वक्त के साथ नासा ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में डिके हो रही पावर को सेव करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप है अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को शट डाउन करना, जहां लॉन्च के वक्त इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स में कुल 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशनल थे, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 5 और 4 ही रह गई है। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के बनने की कहानी भी कुछ कम मजेदार नहीं है। दरअसल ओरिजिनली नासा का वॉयजर जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं था। मिड 60s में जब इंटरप्लेनेटरी फ्लाईबाई मिशंस पर डिस्कशन चल रहा था, तो इनिशियली एक यूनिक मिशन MJS यानी कि मैरिनर जुपिटर सैटर्न 1977 को करने का प्लान किया गया। इस मिशन का गोल जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जाइंट्स को बारीकी से स्टडी करना था, मगर कहानी ने तब ट्विस्ट लिया जब नासा JPL में काम करने वाले एक एमेच्योर साइंटिस्ट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को खोज निकाला। दरअसल ये था सभी गैस जाइंट्स का एक यूनिक प्लेनेटरी अलाइनमेंट, जिसके चलते सभी ग्रह एक ही रेखा में आने वाले थे। ऐसे में अगर किसी तरह से इनमें से एक ग्रह पर भी स्पेसक्राफ्ट पहुंचा दिया, तो दूसरे तक पहुंचने के लिए अधिक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन प्लैनेट्स की क्रॉस ऑर्बिट से मिलने वाला स्लिंगशॉट फोर्स ही हमारे स्पेसक्राफ्ट को उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा।
इस अवसर को देख नासा की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब नासा ने कुछ ग्रैंड करने का प्लान किया। दरअसल नासा के रडार पर एक या दो नहीं बल्कि चारों ही आउटर प्लैनेट्स थे। जाइगेंटिक जुपिटर से लेकर आईसी नेपच्यून तक हर गैस जायंट को स्टडी करना इस बार नासा के एजेंडे में था। प्राइमरीली ये मिशन शुरुआती 12 सालों के लिए प्लान किया गया था, मगर साल 1989 में नेपच्यून को फ्लाई बाय करते ही इन्होंने एक नए अध्याय में प्रवेश किया, जहां ये रहस्यों की खोज से बढ़कर इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस कड़ी में पहला माइलस्टोन तब अचीव हुआ जब वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हेलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा, और साथ ही इसके कुछ साल बाद इसके जोड़ीदार वॉयजर 2 ने भी यही मुकाम हासिल कर लिया। बात करें अगर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की अगली मंजिल की या फिर अगली अचीवमेंट की, तो फिलहाल दोनों ही स्पेसक्राफ्ट डीप वॉइड स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सिवाय अंधेरे और जमा देने वाली सर्दियों के अलावा कुछ भी नहीं है। इन स्पेसक्राफ्ट्स में लगे ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स के अलावा हर पल इन्हें एक फॉरवर्ड फोर्स बैक करता रहता है। असल में धरती से हुए पावर पैक्ड लॉन्च के बाद बाहरी अंतरिक्ष में इनकी गति बहुत तेज हो गई थी, जिसे और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद की जुपिटर द्वारा लगाए गए स्लिंगशॉट फोर्स ने, जिसके चलते आज तक भी ये तेज गति से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस एक कारक के अलावा और भी बहुत से बाहरी कारणों के चलते सालों पहले लॉन्च हुए ये स्पेसक्राफ्ट अपनी गति कायम करने में सक्षम है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें लगा RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पुराना होने के चलते इनएफिशिएंट हो गया है। न्यूक्लियर बैटरीज में मौजूद रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नेचुरली डिके होने के चलते 4 वाट पर ईयर की दर से पावर ड्रॉप शो कर रहा है, जिसके चलते इवेंचुअली सन 2030 तक इसके आउट ऑफ पावर होने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए बात करते हैं वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के फ्यूचर एनकाउंटर्स पर। अगर हम ये एज्यूम करें कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अगले आने वाले 3 लाख सालों तक अनअफेक्टेड और अनटच्ड रहते हैं, तो इनकी अगली मंजिल वाकई में इन्हें मिल जाएगी, जिसमें कि वॉयजर 1 को महज 40,000 साल बाद ही इसकी मंजिल AC+793 888 स्टार सिस्टम और वॉयजर 2 को कई ज्यादा सालों बाद पूरे 298,000 साल बाद उसकी डेस्टिनेशन सेजिटेरियस ए स्टार भी मिल जाएगी। और आशा है कि तब तक ये मुसीबतों और बाधाओं से सुरक्षित रहें और इंसानों का संदेश उन अनजान परग्रहियों तक पहुंचा दें। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या ये सेफली इन सितारों तक पहुंच भी पाएंगे या फिर इससे पहले ही इनका दी एंड हो जाएगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।